हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक अगेन टू द लाइव सेशन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लाइव सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है, दैट इज़ द सेकंड लेक्चर फॉर द फाइनल रिवीजन बिफोर द एग्जामिनेशन। तो एग्ज़ाम की जो आपकी डेट्स हैं वो मोस्ट लाइकली 17 सितंबर है, आपकी जो डेट्स हैं एग्ज़ाम की लाइफ साइंसेस की, और इससे रिलेटेड हम फाइनल रिवीजन का सीरीज चला रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो शुरू करने से पहले लेट मी चेक इज एवरीथिंग वर्किंग फाइन और नॉट। लेट मी सी इज एवरीथिंग फाइन। ओके, तो देखिए, शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा अबाउट द अनअकैडमी। अनअकैडमी वन क्या है? अनअकैडमी वन एक इवेंट है जो आपका टीचर्स डे पे होने वाला है 5 सितंबर में। तो आप 5 सितंबर में इसको ज्वाइन कर सकते हो, शाम के 6 बजे होगा ये। इसका लिंक आपको वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हो जाएगा, अनअकैडमी के CSIR से जुड़े हुए प्लेटफॉर्म पे या दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी ग्रुप्स में अवेलेबल हो जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप्स में। तो आप इस पर लिंक के क्लिक करके लिंक के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा प्राइज राइजेस के बारे में बताना चाहूँगा। प्राइज राइजेस बहुत जल्दी हो सकते हैं आपके। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन और यू कैन सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज़ माई कोड MSalmanLive, यू विल गेट द डिस्काउंट। तो जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा 10%, 20%, 30%, वो आपको इस सेम कोड से ही मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा अनअकैडमी लाइट का सब्सक्रिप्शन, जिसका प्राइस हो गया है ₹269 फॉर 6 मंथ। तो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है आपको, इसमें ऑफर है ये एट द रेट ऑफ 269, और रेफरल कोड सेम ही है यहाँ पर भी, MSalmanLive। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। ये है हमारा आज का पहला प्रश्न। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्वेश्चन को रीड करिए, बताइए क्या आंसर होगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट आई थिंक बता तो रहे हैं, लेट मी सी, आई थिंक किसी ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर 3 बताया किसी ने, कुछ स्टूडेंट ने, कुछ ने बताया है सेकंड, कुछ ने बताया सेकंड, कुछ ने बताया 3, एक्सक्यूज मी। इसके अलावा यानी कि मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं थर्ड ऑप्शन को बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ने सेकंड भी बताया है। देखिए, प्रश्न आपका सिंपल है बहुत ज़्यादा। इसने कहा है गिवन बिलो इन द गिवन इमेज, आपको एक इमेज दिख रहा होगा नीचे यहाँ पर, और इस इमेज में डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है चार प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रहा है, और पूछा है फाइंड आउट विच वन इज़ ए बी सी और डी रेस्पेक्टिवली। तो नीचे आप देखेंगे एक प्रकार का आपको दिख रहा होगा टाइप ऑफ ग्रेडियंट, ए में, बी में, सी में और डी में। तो ये जो है ड्रोसोफिला एग की बात कर रहा है, जो ड्रोसोफिला का एग है हमारा, उसमें एक साइड होती है एंटीरियर साइड और एक साइड होती है पोस्टीरियर साइड। और ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है बाइकॉइड, हंचबैक और कॉडल और नैनोस। तो आपको पता होगा इनका कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से होता है। इन चारों के अंदर दो ऐसे हैं जो एंटीरियर साइड पर मिलते हैं, वो हैं बाइकॉइड और हंचबैक, और बाकी दो ऐसे हैं जो पोस्टीरियर साइड पर मिलते हैं, कॉडल और नैनोस। तो अगर हम देखें एंटीरियर साइड पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ए और बी में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। ए वाला जो है वो बहुत जल्दी ड्रॉप कर रहा है, बी वाला थोड़ा लेट कर रहा है। इसी तरह पोस्टीरियर साइड पर भी
सी वाला जल्दी ड्रॉप कर रहा है, डी वाला थोड़ा लेट ड्रॉप कर रहा है। तो एंटीरियर साइड पर जो जल्दी ड्रॉप कर रहा है वो आपका बाइकॉइड है। तो बाइकॉइड का जो ग्रेडियंट होता है, स्टार्ट करता है थोड़ा सा नीचे गिर जाता है जल्दी, उसके बाद एंटीरियर साइड पर ही हंचबैक का ग्रेडियंट होता है जो थोड़ा सा दूर तक चलता है और फिर जाके गिरता है। इसी प्रकार पोस्टीरियर साइड पर नैनोस का हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है और वो बहुत जल्दी नीचे गिर जाता है एज़ कम्पेयर टू द कॉडल, और कॉडल का पोस्टीरियर साइड पे हाई होता है और थोड़ा लेट नीचे गिरता है। तो इस तरह का ग्राफ भी बनता है इसका, अगर आप एग्ज़ाम में देखेंगे या बुक्स में पढ़ेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ दिखाया जाता है। तो एज़ यू कैन सी यहाँ पे बाइकॉइड है पिंक कलर में और यहाँ हंचबैक है, हंचबैक का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा रिलेटिवली देर तक आगे जा रहा है। इसी प्रकार नैनोस का बहुत जल्दी नीचे गिर गया और कॉडल का थोड़ा देर में गिरा। तो अगर हम इसे मैच करें ऊपर तो पहला है बाइकॉइड, ए है बाइकॉइड, बी है हंचबैक, सी है नैनोस और डी है कॉडल। तो ये है हमारा प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3, ए बाइकॉइड, बी हंचबैक, सी नैनोस और डी कॉडल। ठीक है जी, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, निशा कह रहे हैं कि मॉल बायो का सेशन भी लेना है, ठीक है, सिग्नलिंग का भी क्वेश्चंस चाहते हैं विकास। ओके विकास, अंतरा दास जी ने कहा है कि मेथड्स का भी सेशन लीजिए, ठीक है। ऑल राइट, द डेव बायो के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस के बाद मैं इन पर भी आता हूँ। अदरवाइज़ अगर आपको इमिडिएटली मेरे सेशंस देखने हैं मॉल बायो के, सिग्नलिंग के, तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, जस्ट मेरा नाम के आगे आप लिख दीजिए टॉपिक का नाम, उसका सेशन आप पे आ जाएगा। इसके अलावा मैं भी ले आऊँगा इस पर और लेटेस्ट सेशन। ऑलराइट, बस आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने ऐसा कहा, बाकी और सेशन भी आएंगे क्योंकि टाइम अभी हमारे पास कम है, हमें रिवाइज करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो आपके सामने कुछ इमेजेस दिखाई दे रहे हैं और इससे रिलेटेड सवाल पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और फिर आंसर करिएगा दोस्तों। अभी एक ही आंसर आया अंतरा दास शर्मा का, ऑप्शन नंबर 4। एनी अदर बेटर आंसर? ऑप्शन नंबर 4 बताया मिथिला ने, यानी दो आंसर आए 4 के।
अभी तक ज़्यादा आंसर नहीं आए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, हो सकता है क्वेश्चन बड़ा है इस वजह से टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। ऑप्शन सेकंड बताया चावला जी ने, सी अपरेगुलेट ए एंड बी रिप्रेसेस ए, ठीक है। सॉरी, ठीक है, तो चलिए फिर डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन को लेके, तो हम कंफ्यूजन दूर कर देते हैं और आपको समझाते हैं। ये क्वेश्चन भी एक किताब का ही है, डेव बायो की। देखिए डेव बायो की जो प्राइम बुक है वो तो गिलबर्ट है, बट और भी किताबें हैं जो अच्छी किताबें हैं, हालांकि उनसे क्वेश्चन इतने आते नहीं हैं, बट आने को तो कुछ भी आ सकता है एग्ज़ाम में, तो ये उसी किताब से क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कहता है गिवन बिलो इज द एक्सप्रेशन ऑफ थ्री जीन्स, नीचे तीन जीन का एक्सप्रेशन दिखाया है ए बी और सी ड्रोसोफिला में, ठीक है, अलोंग विद द म्यूटेंट केस, म्यूटेंट केस भी बताएं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल केस, अभी आप ऊपर देखेंगे अपर राइट कॉर्नर में एक इमेज बना हुआ है, ये नॉर्मल एक्सप्रेशन दिखा रहा है तीनों जीन का। तो नंबर वन में दिखाया है ए का एक्सप्रेशन, फिर दिखाया है बी का एक्सप्रेशन, फिर दिखाया है सी का एक्सप्रेशन, ये जो बैंड नज़र आ रहा है। फिर नीचे है म्यूटेंट केस, म्यूटेंट केस में कुछ यहाँ पे सिंबल यूज हो रहे हैं, नेगेटिव सिंबल का मतलब है डिलीशन, अगर किसी जीन के ऊपर नेगेटिव लगा हुआ है दैट मीन्स इट हैज़ बीन डिलीटेड, और स्टार का मतलब है स्टार या एस्ट्रिक, इसका मतलब है ओवर एक्सप्रेशन, यानी कि वो जीन उसमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है, ओवर एक्सप्रेस हो रहा है वो। आगे बोलता है बेस्ड ऑन दिस, इसके आधार पे व्हाट शुड बी द करेक्ट रेगुलेटरी रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी, तो इनमें करेक्ट रिलेशनशिप क्या होगा ए बी सी में। तो आपसे पूछा है ए एक्टिवेट करता है बी को या सी करता है ए को, इस तरह से। तो आइए देख लेते हैं म्यूटेंट केस क्या है। म्यूटेंट केस में सबसे पहले जो ऊपर इमेज बना हुआ है ये वाला जिस पे मैंने टिक लगाया है, इस पर लिखा है ए इन बी नेगेटिव, ए इन बी नेगेटिव, जिसका मतलब है द एक्सप्रेशन ऑफ ए इन द एब्सेंस ऑफ बी, जब बी डिलीट हो गया है तो ए का कैसा एक्सप्रेशन है। तो आप देख रहे हैं पूरा खाली पड़ा है ये, जब बी डिलीट हो गया तो ए का भी एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, ये हमें समझ में आ रहा है इससे। दूसरे में सेकंड में लिखा है ए इन बी स्टार, यानी ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द बी। अब बी के ओवर एक्सप्रेशन के केस में आप देख रहे हैं ये पूरा भरा पड़ा है, पूरा आपका पर्पल हो रहा है, यानी ए का एक्सप्रेशन आ रहा है जब बी का ओवर एक्सप्रेशन है। इसका मतलब ये हुआ, हम ये कह सकते हैं कि बी की वजह से ए का एक्सप्रेशन हो रहा है, तो हो सकता है बी ए को एक्टिवेट करता हो जब ही ए आ रहा है, क्योंकि जब बी डिलीट हो गया था तो ए नहीं आ रहा था, और जब बी ओवर एक्सप्रेस हो रहा था तो ए भी ओवर एक्सप्रेस हो रहा था, ए भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो हो सकता है बी ए को एक्टिवेट करता हो। देन आते हैं नेक्स्ट पे, इस पे लिखा है ए इन सी नेगेटिव, जब मैंने सी को डिलीट करा तो ए का कैसा एक्सप्रेशन है। तो जब मैंने सी को डिलीट करा तो मुझे ए का एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, ये रहा, दिख रहा है मुझे ए एक्सप्रेस हो रहा है जब सी डिलीटेड है। और फोर्थ में ए इन सी स्टार, जब मैंने सी को ओवर एक्सप्रेस कराया तो ए का क्या हुआ, ए फिर से गायब हो गया। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, जब सी नहीं है तो ए आ रहा है, और जब सी ओवर एक्सप्रेस हो रहा है तो ए गायब हो रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि जो सी है वो किसी तरह का नेगेटिव इफेक्ट देता है ए पर, इससे ये कुछ कुछ पता चल रहा है। तो अगर हम इसी को ढूंढें इस ऑप्शन में, तो अगर चौथा ऑप्शन देखें तो उसमें लिखा है बी अप रेगुलेट ए, यानी बी ए को एक्टिवेट करता है एंड सी रिप्रेस ए, सी ए को रिप्रेस करता है, सही बात है, इस फिगर से हमें समझ में आ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है।
तो यही इसका कंक्लूजन है. यू कैन सी ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, ए इन बी, ए इन बी स्टार, ए इन सी नेगेटिव और ए इन सी स्टार. तो कंक्लूजन हो गया बी अपरेगुलेट ए वाइल सी इनिबिट और रिप्रेस ए. इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाते हैं पार्ट सी में और मे बी पार्ट बी में. ऑल राइट, अगले प्रश्न की ओर. इसमें भी आपको एक इमेज दिया है और इमेज के साथ आपसे एक्सप्रेशन का लेवल पूछ रहा है या जगह पूछ रहा है कहां पे कौन सा जीन एक्सप्रेस कर रहा है. तो ऑब्जर्व द गिवन इमेज एंड फाइंड आउट व्हाट इज ए बी और सी गैप जीन्स. इमेज को ध्यान से देखिए और बताइए ए बी और सी गैप जीन कौन से हैं. ड्रोसोफिला का एग दिखाया है और कुछ जीन्स शो करे हैं जैसे कि ऑर्थोडेंटिकल, हंचबैक, टेललेस. बाकी जीन को छुपा दिया है, ए बी सी लिख दिया है और पूछा है एग में वो कहाँ एक्सप्रेस कर रहा है. ऑप्शन नंबर फोर बताया किसी ने, किसी ने सेकंड, किसी ने फोर. सेकंड और फोर दो बताए जा रहे हैं. एनी अदर बेटर आंसर? ओके, देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था एग के मिडल के एरिया में, थोरैक्स वाला एरिया, मिडल एरिया में वहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिखाता है उसे बोला जाता है क्रूपल. तो क्रूपल आपका कहीं ना कहीं मिडल के एरिया में आएगा. तो ए हमारा क्या है? ए है क्रूपल, ए इज क्रूपल. उसके बाद आता है हमारा निर्प. निर्प हमारा कुछ कुछ एब्डोमिनल के एरिया में एक्सप्रेस दिखाता है, एब्डोमिनल वाले एरिया में जाता है ये थोड़ा थोड़ा. तो आपका जो बी होगा वो होगा निर्प, के एन आई आर पी का निर्प या निर्प जो भी आप इसे पढ़ना चाहो. और फिर आता है जायंट. जायंट आपका दोनों तरफ मिलता है, थोड़ा 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 मिलता है वो एंटीरियर साइड की तरफ भी और थोड़ा थोड़ा दिखाता है पोस्टीरियर साइड की तरफ भी. तो सी हमारा हो जाएगा जायंट. तो ए है हमारा क्रूपल, बी है निर्प, सी है जायंट और करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर फोर. ऑल राइट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत देख लेना इसको भी. एग्जाम में तो देखिए कुछ भी आ सकता है, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बट स्टिल. तो यहाँ पे देखिए लाइन से दिखाया जा रहा है कि किस जीन का कहाँ तक एक्सप्रेशन है. जैसे कि ऑर्थोडेंटिकल का यहाँ पे दिखाया है, हंचबैक का मेजॉरिटी आपका एक्सप्रेस करता है एंटीरियरली, बहुत ही माइन्यूट वे में आपको पोस्टीरियर पर भी मिल सकता है, बहुत ही कम. जायंट आपका दोनों तरफ से, क्रूपल मिडल में, निर्प एब्डोमिनल में, टेललेस आपका टर्मिनल पॉइंट पे. सॉरी. देखिए अभी एक सर्कुलेट हो रहा है पेपर एनटीए का, एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा है अभी, जस्ट ही मैंने देखा है कुछ टाइम पहले. एक बार उसे कंफर्म करना पड़ेगा. उस पर दिया हुआ है 17 तारीख को है पेपर. तो 99% तो लग ही रहा है कि हाँ 17 को ही है, लेकिन एक बार दोबारा कंफर्म कर लेंगे. हालांकि ठीक ही होगा वो. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फेक सर्कुलेशन भी हो जाते हैं, बट मुझे लगता नहीं वो होगा इस तरह का. तो फिलहाल 17 को ही है पेपर, बाकी एक बार
पता चल जाएगा आप वेबसाइट पे चेक करके ऑफिशियली। जैसे पहले तो बताया ही था 16 से 19 के बीच में है ना। हाँ तो जैसे चावला जी कह रहे हैं कि ऑफिशियल है तो फिर ठीक है, अगर ऑफिशियल है तो फिर ठीक है, फिर 17 को ही है। दो शिफ्ट में है हमारा पेपर 17 तारीख को। तो आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड लक, ईश्वर आपका एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से, अच्छी रैंक से क्रैक करे और आपको जीवन में बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। उसके लिए आपको शुभकामनाएं। ओके सो बताइए आंसर फिर, गुरकन क्या है, किस तरह का मॉलिक्यूल है गुरकन, व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल गुरकन इज। गुरकन टॉर्पिडो आपको पता होगा, ड्रोसोफिला के केस में बात करते हैं हम, तो इसका नेचर किस तरह का है ये। पहला ऑप्शन, इट इज ए बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन लाइक मॉलिक्यूल, बीएमपी, TGF बीटा के जैसा मॉलिक्यूल है, EGF लाइक मॉलिक्यूल है या RTK लाइक मॉलिक्यूल है। थोड़ा थोड़ा सेल सिग्नलिंग वाला पार्ट आ रहा है यहाँ पे। ओके तो देखिए आपका आंसर है, इट इज TGF बीटा लाइक मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। ये TGF बीटा लाइक मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक्चुअली में बोन मॉर्फोजेनेटिक लाइक मॉलिक्यूल भी नहीं है और ये रिसेप्टर भी नहीं है, ये है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर लाइक मॉलिक्यूल, EGF। तो ग्रोथ फैक्टर होते हैं वर्टिब्रेट्स में, उनके होमोलॉग्स होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स में लाइक ड्रोसोफिला, सी एलिगेंस वगैरह वगैरह। तो इट इज़ ए EGF लाइक मॉलिक्यूल, ग्रोथ फैक्टर लाइक मॉलिक्यूल है और ये चलता है RTK पर। तो सही आंसर है हमारा 3। उसी प्रकार ये वाला तो बहुत आसान है बताना, अब आपको टॉर्पीडो किस प्रकार का है, गुरकन पता चल गया तो टॉर्पीडो पता करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो फटाफट से आंसर बता दीजिए। फोर्थ बताया है मिथिला जी ने, आर्टिकल लाइक रिसेप्टर। ओके ठीक है, सही बात है। जब गुरकन आपका ग्रोथ फैक्टर लाइक मॉलिक्यूल है तो ग्रोथ फैक्टर जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में RTK पर चलते हैं या RTK जैसे रिसेप्टर्स पर चलते हैं, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस पे ज़्यादातर ग्रोथ फैक्टर पे चलते हैं ये। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, RTK। तो टॉर्पीडो इज अ RTK लाइक रिसेप्टर एंड गुरकन इज अ EGF लाइक मॉलिक्यूल। आ जाते हैं ऑस्कर पे, ऑस्कर अवार्ड। तो ड्रोसोफिला को भी ऑस्कर मिला हुआ है mRNA के रूप में, एग में कहाँ मिलता है वो। ओके छत्रपाल, बिल्कुल मैं सेल सिग्नलिंग पर भी क्लास कराऊंगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वैल्यूएबल सजेशन दिया उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, और ज़रूर मैं इस पर भी सेशन लेकर आऊंगा। तो स्टे कनेक्टेड। ऑलराइट बताइए आंसर, ऑस्कर mRNA एग में कहाँ मिलता है, आगे की तरफ पूरे में फैला रहता है, एग्जैक्टली मिडल में होता है या पोस्टीरियर साइड पर चला जाता है। ऑप्शन 4 देखने को मिल रहा है मुझे ज़्यादातर स्टूडेंट्स के द्वारा, आई एम सॉरी। ओके ठीक है, चलिए आपकी बात मान लेते हैं हम। तो देखिए मान लीजिए जैसे कि ये एग है,
फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी, ये एग है, ये इसकी एंटीरियर पोजिशन, ये इसकी पोस्टीरियर पोजिशन, तो आपका पोस्टीरियर साइड पर आपको मिलेगा ये प्रोटीन ऑस्कर, ठीक है, ऑस्कर या एमआरएनए। तो करेक्ट आंसर होगा पोस्टीरियर साइड। तो ऑस्कर एमआरएनए जो होता है आपका, ठीक है, एक मोटर प्रोटीन होता है जिसका नाम है काइनेसिन वन। काइनेसिन वन मोटर प्रोटीन होते हैं जो प्लस एंड डायरेक्टेड प्रोटीन होते हैं। प्लस एंड का मतलब ये माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल काइनेसिन मॉलिक्यूल माइक्रोट्यूब्यूल पे माइनस एंड पर है तो वो प्लस की तरफ जाएगा, और ये अपने साथ लेकर जाते हैं कई तरह के एमआरएनएस को भी, जिसमें आता है ऑस्कर एमआरएनए। तो ये ऑस्कर एमआरएनए जो है काइनेसिन नाम का जो प्रोटीन है, मोटर प्रोटीन काइनेसिन वन, इसके ऊपर बैठ जाता है और मोटर प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल पे चलता 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 इसको पोस्टीरियर साइड पर ले जाता है प्लस एंड पे। इसी प्रकार जो बाकी के एमआरएनए हैं आपके नैनोस का, बाइकॉइड का, वो भी मोटर प्रोटीन से बाइंड करके जाते हैं अपनी अपनी जगहों पर। ऑलराइट, तो यहाँ पे छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। देखिए, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका नाम है मोहम्मद सलमान अन अकेडमी। इस पर ज्वाइन करने के आपको मल्टीपल बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस हो गए, किसी तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेरी आपकी, कोई डाउट आपका, या कोई पीडीएफ, कोई बुक, यानी कि एग्ज़ाम से संबंधित सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। और आपके जैसे दूसरे स्टूडेंट्स भी होते हैं यहाँ, जो लगातार पढ़ते रहते हैं, पूछते रहते हैं, बताते रहते हैं आपस में डिस्कशन, तो काफ़ी हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा अन अकेडमी का जो ऐप है उस पर भी ग्रुप है कम्युनिटी नाम का, हर एजुकेटर का सेपरेट कम्युनिटी है। मेरी कम्युनिटी पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो और इस पर भी आपको सेम ही प्रकार की नोटिफिकेशन मिलती हैं। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो तीन तरह के सब्सक्रिप्शन है। एक है आइकॉनिक का, जिस पर आपको 1:1 मेंटरशिप मिलती है, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, इंटरव्यू की तैयारी और सारे बेनिफिट प्लस के। प्लस की बात करें तो इस पर डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस, जिसका मतलब ये है कि सारे टीचर्स की सारी क्लासेस, चाहे वो लाइव हो या वो रिकॉर्डिंग हो, सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा। तीसरा सब्सक्रिप्शन है लाइट का, इसमें बेसिकली आपको मिलते हैं टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड मॉक टेस्ट वगैरह, उसके लिए है स्पेसिफिकली। और अमाउंट आप यहां से देख सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, और जो भी डिस्काउंट चल रहा है करेंटली वो आपको मिल जाता है, जो भी डिस्काउंट आपका चल रहा होगा। और रेफरल कोड है एम सलमान लाइव। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स और जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ बाइकॉइड टू द इंटीरियर साइड ऑफ द एग। बाइकॉइड का जो आपका एमआरएनए होता है उसे एंटीरियर साइड पर लाना पड़ता है, जहाँ उसकी नॉर्मल पोजीशन है। तो उसके एमआरएनए को लेकर आते हैं कुछ प्रोटीन्स, मदद करते हैं लाने में बेसिकली। मान लो फॉर एग्जांपल ये एमआरएनए है, इट इज़ द बाइकॉइड एमआरएनए। तो बाइकॉइड के एमआरएनए में यूटीआर होता है, 5' UTR अनट्रांसलेटेड रीजन, 3' UTR अनट्रांसलेटेड रीजन। तो ये UTR पे बाइंड करते हैं प्रोटीन, और UTR पे बाइंड करके ये हेल्प करते हैं लोकलाइजेशन में, यानी इंटरैक्ट करते हैं ये मोटर प्रोटीन से भी, ताकि वो चला जाए अपने रेस्पेक्टिव एंड पे, चाहे वो आपका एंटीरियर एंड हो या पोस्टीरियर। तो आपसे यही पूछा है कि जो बाइकॉइड का लोकलाइजेशन है एंटीरियर साइड पर, कौन से प्रोटीन्स करवाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 टॉर्सो एंड ग्राउचो, सेकेंड ऑर्थोडेंटिकल एंड वेलोइस, थर्ड ट्यूडोर एंड वेसा, एंड फोर्थ
एक्सपोरेंशिया एंड स्वेलो। गिलबर्ट के अंदर क्लियरली मेंशनड है ये, गिलबर्ट पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा होगा, आपको दिख जाएगा। सॉरी मिथिला, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है और इनको इस तरह से फ्रेम किया गया है कि जैसे ये PYQ की तरह ही लगें, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एग्जाम में तो वही देना है। तो ये उसी प्रकार के क्वेश्चन मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए, ताकि प्रैक्टिस हो पाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर आपको किसी प्रकार की कोई कमी लगती है, कोई सजेशन है, तो यू आर मोस्ट वेलकम ऑलवेज, आपका हमेशा स्वागत है। चाहे वो नेगेटिव आपका सजेशन हो या पॉजिटिव हो, दोनों ही वेलकम है आपके। ऑल राइट, तो आंसर बताइए फिर। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर 4 को बता रहे हैं, एक्सुपरेंशिया एंड स्वेलो। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एक्सपोरेंशिया स्वेलो। ये दोनों ही लोकलाइजेशन करते हैं। तो बेसिकली ये करते क्या हैं, जैसे मैंने बताया mRNA पे UTR होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन। अब जरा मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ, आप सभी से एक सवाल है मेरा, मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि अनट्रांसलेटेड रीजन एक्सॉन है या ये इंट्रॉन है, या ये दोनों में से कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, दोनों में से कुछ भी नहीं है, नन। ये बताइए UTR के बारे में कमेंट सेक्शन में। तो मैंने बताया था mRNA में UTR होते हैं, 5' UTR और 3' UTR। एक्सुपरेंशिया स्वेलो जो होते हैं वो बाइकॉइड के mRNA के 3' UTR से बाइंड करते हैं। याद रखना प्लीज, एग्जाम में पार्ट बी में आ सकता है आंसर, एग्जाम में पार्ट बी में आ सकता है। पार्ट बी में क्या आ सकता है कि एक्सुपरेंशिया स्वेलो कहाँ बाइंड करता है बाइकॉइड mRNA पे। ऑप्शन इन द एग्जॉन, इन द 5' UTR, इन द 3' UTR वगैरह वगैरह। तो आंसर विल बी 3' UTR, और उसको आपका ट्रांसफर करवाता है टुवर्ड द एंटीरियर साइड। ओके, तो क्या आंसर बता रहे हैं, 3, नन ऑफ देम इंट्रॉन। उज्मा और मिथिला, आप आई थिंक 3 वाला बता रहे हो, नन, एम आई राइट? बाकी किसी ने आंसर नहीं किया। चलिए बताते हैं आपको आंसर फिर। आंसर बताता हूं मैं, तब तक आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि कोई क्वेरी भी पूछ रहा है अपनी। माई सक्सेस ने कुछ पूछा है, माई सक्सेस, थोड़ा आप एक मिनट का वेट करिएगा, मैं अभी आता हूँ आपके पास। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस पैटर्निंग इन ड्रोसोफिला। ओके, तो माई सक्सेस ने कहा है, सर मेरा सितंबर में BEd के साथ एग्ज़ाम क्लैश कर रहा है, कैन यू प्लीज़ गिव एन आइडिया कि नेक्स्ट दिसंबर 2022 वाला एग्ज़ाम कब तक होगा। मैं समझ सकता हूँ एग्ज़ाम क्लैशिंग का, मुझे काफ़ी खेद है इस चीज़ का, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बताई ये बात ये, बट क्या कर सकते हैं। खैर, तो अब आपने पूछा है इसके बाद का कब होगा। देखिए माई सक्सेस, एग्जैक्टली कह पाना कुछ तो बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज इस साल एग्ज़ाम फरवरी में हो चुका है और अब सितंबर में हो रहा है, तो 2 एग्ज़ाम हो गए साल के। एक ही साल में 3 एग्ज़ाम हो, ऐसा कहना बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा होता नहीं आमतौर पे। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन मान लो एक बार को नहीं हो रहा दिसंबर में, तो ये फिर अगले साल होगा अगेन, या तो फरवरी में
या फिर से अपने नॉर्मल साइकिल में होगा जून में। तो ये दो तीन चीज़ों में से कोई एक ही होने वाली है, या तो दिसंबर जिसके चांस कम है, फरवरी चांस ज़्यादा हैं, या अगर वो चाहें, अगर वो ये चाहते हैं कि हम दोबारा से जून दिसंबर का साइकिल फॉलो करें तो फिर जून में होगा। तो ये थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा इसके लिए, श्योरली कहना बड़ा मुश्किल है। बाकी आप तैयारी करते रहिए ताकि आपकी तैयारी में किसी तरह का प्रॉब्लम ना आए। तो क्या आंसर बता रहे हैं फोर्थ? चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन ये कहता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सही बताइए रिगार्डिंग द डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस पैटर्निंग इन द ड्रोसोफिला। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, आपको पता होगा, CSIR वाला भूले भटके ये क्वेश्चन इस तरह के पूछता ही है, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन भी होती है और अपने आप में एक अच्छा सवाल भी बन जाता है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में वो क्या पूछते हैं। और तो फिलहाल क्वेश्चन क्या कह रहा है, करेक्ट बताना है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि डॉर्सल नाम का प्रोटीन मिलता है न्यूक्लियस में, डॉर्सल साइड में। मैंने आपको कल ही बताया था डॉर्सल साइड का क्या सिनेरियो है और वेंट्रल साइड का क्या सिनेरियो है। डॉर्सल साइड में डॉर्सल प्रोटीन साइटोप्लाज्म में मिलता है और वेंट्रल साइड में डॉर्सल प्रोटीन न्यूक्लियस में मिलता है, खत्म। तो पहला कह रहा है डॉर्सल प्रोटीन न्यूक्लियस में मिलता है डॉर्सल साइड में, जो कि गलत है, गलत हो गया। सेकंड, कैक्टस प्रोटीन डिग्रेड हो जाता है डॉर्सल साइड में, अगर वो डिग्रेड हो जाता तो डॉर्सल न्यूक्लियस में जाता, जबकि ऐसा नहीं होता, डॉर्सल साइड में कैक्टस डॉर्सल से बाइंड रहता है, ठीक है, ताकि वो उसे जाने ना दे, यहाँ डिग्रेड हो जाता है वेंट्रल साइड पे। थर्ड कहता है डॉर्सल प्रोटीन साइटोसोल में मिलता है वेंट्रल साइड पे, ये भी गलत। और चौथा कहता है कैक्टस प्रोटीन डिग्रेडेशन में चला जाता है वेंट्रल साइड पे, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी हमारा आंसर क्या है, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ आंसर है। तो उसका आंसर क्या था जो मैंने अभी आपसे पूछा था कि अनट्रांसलेटेड रीजन, दोबारा से पूछ लेता हूँ, अगर कोई आंसर करना चाहे तो कर सकता है। UTR किस कैटेगरी में आते हैं? ऑप्शन 1 एग्जॉन, इंट्रॉन, नन ऑफ द अबव, या बोथ ऑफ द अबव? एग्जॉन में आएंगे, इंट्रॉन में आएंगे, किसी में नहीं आएंगे, या दोनों में आएंगे? क्योंकि अनट्रांसलेटेड रीजन मैच्योर mRNA में आता है आफ्टर स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो आपने बताया है एग्जॉन निशाने, कृष्णा ने बताया फोर्थ, बोथ। ओके, देखिए आप में से कई लोगों के दिमाग में ये डाउट आ गया होगा कि देखिए अनट्रांसलेटेड रीजन तो एक ऐसा सीक्वेंस है जो ट्रांसलेट ट्रांसलेट नहीं होता, और जो ट्रांसलेट नहीं होते वो इंट्रॉन होते हैं, नॉन कोडिंग। अब इंट्रॉन तो निकल चुके हैं स्प्लाइसिंग में, ये कहाँ से आ गया? तो फिर ये इंट्रॉन हुआ, अगर ये इंट्रॉन हुआ तो फिर ये स्प्लाइसिंग में क्यों नहीं निकला, तो हम इसे क्या बोलेंगे? देखिए एग्जॉन और इंट्रॉन की डेफिनेशन जो है वो हमेशा ये नहीं है कि वो कोडिंग है, वो नॉन कोडिंग है, हमेशा ये नहीं है। एग्जॉन वो सीक्वेंस होता है जो मैच्योर mRNA में आता है आफ्टर स्प्लाइसिंग, यानी स्प्लाइसिंग के बाद मैच्योर mRNA में जो भी आ रहा है वो सब एग्जॉन की कैटेगरी में है। अब इट कैन बी कोडिंग, इट कैन बी नॉन कोडिंग, तो UTR कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्जॉन्स, ये एग्जॉन्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि आफ्टर स्प्लाइसिंग ये मैच्योर mRNA में अपीयर होते हैं। इसका रेफरेंस अगर चाहिए आपको, जो मैं बात बोल रहा हूँ, इसका रेफरेंस आपको मिलेगा किताब में जिसका नाम है वॉटसन, वॉटसन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन की नाम की जो किताब है उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है इस चीज़ को, तो आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। अब सवाल पे वापस आते हैं, सवाल का आंसर बताइए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको। सॉरी, अभी तक कोई आंसर नहीं आया है।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गलत बताना है, विद रिगार्ड टू कैस्केड ऑफ प्रोटीन एक्टिविटी एट वेंट्रल साइड ऑफ द ड्रोसोफिला डेवलपमेंट। ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट में कैस्केड चलता है, आपको पता होगा, अगर मैं थोड़ा दिखाऊं इस तरह से, वेंट्रल साइड पे कैस्केड चलता है जिसमें अलग अलग प्रोटीन्स पार्टिसिपेट करते हैं, जीडी, स्नेक, ईस्टर, ठीक है, पहले आपका ट्यूब, आपका क्या कहते हैं टॉल, और फिर फाइनली डॉर्सल और कैक्टस, पूरा चलता है ये। उसी से संबंधित पूछा है, क्या पूछा है, गलत पूछा है। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पहली कहती है पाइप प्रोटीन सल्फेशन करता है वाइटलाइन मेम्ब्रेन प्रोटीन की, ये तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, वेंट्रल साइड पे पाइप प्रोटीन की सिंथेसिस चालू रहती है और वो सल्फेशन करता है वाइटलाइन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की, बिल्कुल ठीक, जिससे जीडी बाइंड करता है। स्टेटमेंट नंबर थ्री पढ़ लेता हूं मैं, ट्यूब बाइंड करता है टॉल रिसेप्टर से, इट इज ऑल्सो करेक्ट, करता है। फोर्थ, डॉर्सल न्यूक्लियस में चला जाता है वेंट्रल साइड में, ये भी ठीक है। सेकंड कहती है पहले एक फॉस्फाटेज है, ये गलत है, पहले काइनेज है, काइनेज होते हैं जो ट्रांसफर करते हैं फॉस्फेट ग्रुप को, ऐड कर देते हैं, और काइनेज वो होते हैं, फॉस्फाटेज हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो इसका कैस्केड किस तरह से चलता है, एक बार कैस्केड दिखाते हैं। देखिए वेंट्रल साइड पे पाइप नाम का प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, क्योंकि यहां पे गुरकन टॉर्पिडो की बाइंडिंग नहीं होती, तो पाइप करता है सल्फेशन, यानी सल्फेट कर देता है, सल्फेट ग्रुप ऐड कर देता है वाइटलाइन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पे। सल्फेट ग्रुप ऐड होके एक डॉकिंग साइट क्रिएट करते हैं जिस पर बाइंड करता है एक प्रोटीन जिसका नाम है जीडी, गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव प्रोटीन। जीडी से बाइंड करता है स्नेक नाम का प्रोटीन, स्नेक से बाइंड करता है ईस्टर नाम का प्रोटीन। जैसे ही ईस्टर बाइंड करता है स्नेक से, इट कॉजेज द प्रोटियोलाइटिक कटिंग ऑफ द ईस्टर, ईस्टर दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, ईस्टर का एक टुकड़ा जाके बाइंड करता है दूसरे प्रोटीन पे जिसका नाम है स्पैडजल, और ये स्पैडजल को फिर प्रोटियोलाइटिकली कट कराता है। स्पैडजल का छोटा सा टुकड़ा लाइगेंड बन के बाइंड करता है रिसेप्टर पर, जिन्हें कहते हैं टॉल रिसेप्टर, और रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। जैसे रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, वो बाइंड करता है ट्यूब नाम के प्रोटीन से, और ट्यूब एसोसिएट करता है पहले काइनेज से, पहले काइनेज फॉस्फोरिलेशन कर देता है कैक्टस की, जिससे वो डिग्रेड हो जाता है और डॉर्सल प्रोटीन फ्री होकर न्यूक्लियस में चला जाता है और वेंट्रल साइड कहलाती है वो, ठीक है। अब थोड़ा और आसान सवाल देख लेते हैं दो तीन। ड्रोसोफिला का अंडा कैसा है, किस प्रकार का एग है इसका, होमोलेसिथल, आइसोलेसिथल, मायोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल। देखिए मिथिला, जो डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस होती है, ये जितनी भी एक्सिस होती हैं ड्रोसोफिला में, ये पहले से ही बन जाती हैं, यानी बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाती हैं, और ये जो होमियोबॉक्स, होमियोसेलेक्टर जीन, पेयर रूल जीन, ये सब आते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जाइगोटिक जीन होते हैं, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, माइन्यूट रोल हो सकता है बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन, बट प्री फर्टिलाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो बताइए आंसर, चार चार बता रहे, सेंट्रोलेसिथल, सेकंड आइसोलेसिथल बताया उस्मा ने। सर गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट को ट्रिक से कैसे याद करें, देखिए
जो गैस्ट्रुलेशन की मूवमेंट है ना निशा, उसमें हर मूवमेंट की जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें कोई एक लाइन है जो क्रिटिकल है बड़ी, बस उसे याद कर लो और कुछ मत करो। जैसे इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन में इस तरह से लिखा हुआ है कि आपकी जो लेयर है वो अंदर की तरफ मुड़ती है, जैसे कि किसी बॉल को आप पोक करते हो तो वो एक छोटी सी लाइन क्रिटिकल लाइन है, की लाइन है उसकी। उसी प्रकार डिलेमिनेशन, डिलेमिनेशन में आपका लिखा है द स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ शीट ऑफ सेल, शीट है जो सेल की वो स्प्लिट कर जाती है इंटू टू, तो ये एक की लाइन है डिलेमिनेशन की। एग्जाम में आएगा तो वो यही पूछेगा क्योंकि ये गिलबर्ट में ऑफिशियल की लाइन दी हुई है। इसी प्रकार इनग्रेशन, इनग्रेशन में लिखा है माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, इंडिविजुअल सेल माइग्रेट करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इन्वॉल्यूशन, इन्वॉल्यूशन में लिखा है इंटर्निंग ऑफ सेल शीट, सेल की शीट इंटर्न होती है, और ये शुरू में दिया हुआ है। जब आप गिलबर्ट की किताब में देखोगे तो हर डेफिनेशन की शुरू की लाइन में लिखी हुई है वो की लाइन, बस उसे अच्छे से याद कर लो, 99% क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं, आप पता कर लोगे जी ये इससे मैच हो रहा है, ये इससे मैच हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर दोगे, आंसर मिल जाएगा। तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से एग्जाम्पल देख लेना बस, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एग ऑफ द ड्रोसोफिला कैसा है। देखिए इंसेक्ट है ये, एक प्रकार का मकोड़ा, तो जो मकोड़े होते हैं इंसेक्ट, उनके एग में सेंटर में एकत्रित होता है यॉक, तो सेंट्रो वर्ड आता है इनके लिए, सेंट्रो यानी सेंटर में, लेसिथल मतलब होता है यॉक, सेंट्रो लेसिथल एग कहलाता है, तो इसका जो एग है वो है सेंट्रो लेसिथल। तो जो ज़्यादातर इंसेक्ट हैं उनके एग सेंट्रोलेसिथल मिलते हैं आपको, और ड्रोसोफिला में भी यही कहानी है, कारियोकाइनेसिस होती है बीच बीच में, मल्टीपल राउंड ऑफ डिवीज़न होते हैं, आपका रेप्लिकेशन माइटोसिस, रेप्लिकेशन माइटोसिस रेप्लिकेशन होता रहता है, फिर बाद में पेरीफेरी पे चले जाते हैं जहाँ पे होती है क्लीवेज यानी साइटोकाइनेसिस यानी सेल्युलराइजेशन होती है, और सेल्युलर ब्लास्टोडर्म बन जाता है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, स्ट्रक्चरल क्वेश्चन है ये, यानी ड्रोसोफिला का जो बॉडी प्लान है उससे संबंधित है, उसके स्ट्रक्चर से संबंधित है। फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन विद रेस्पेक्ट टू द ड्रोसोफिला बॉडी प्लान, सॉरी ऑप्शन नंबर फोर बताया किसी ने बताया सेकंड, फोर सेकंड, ठीक है। एनी अदर बेटर आंसर, कृष्णा जी ने फोर बताया है, मिथिला सेकंड, चावला जी ने बताया है सेकंड, नहीं फोर बताया शायद, हाँ फोर। चलिए तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं। देखिए जो ड्रोसोफिला है वो एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट का एक बेसिक बॉडी का प्लान होता है। क्या प्लान होता है इसमें बॉडी का, उसमें इंसेक्ट के पास हेड होता है, एक थोरैक्स होता है और होता है एब्डोमन, ये तीन बेसिक चीज़ें होती हैं एक इंसेक्ट के अंदर। इसमें अगर मैं थोरैक्स को थोड़ा दिखाऊँ
तो जो ड्रोसोफिला का थोरैक्स है वो डिवाइडेड होता है थ्री पार्ट में। एक को कहते हैं T1, T1 का मतलब प्रोथोरैक्स, ये वो पार्ट होता है जो हेड के सबसे नज़दीक होता है। फिर आता है T2, मीजोथोरैक्स, ये पार्ट मिडल में होता है। और फिर आता है T3, मेटाथोरैक्स, ये वो पार्ट होता है जो एब्डोमेन के नज़दीक होता है। अब ड्रोसोफिला में इंसेक्ट है, वो जॉइंटेड लेग्स हैं उसकी, तो उसकी जो लेग्स हैं वो कहाँ कहाँ होती हैं, तो उसकी लेग्स जो हैं वो तीनों में मिलती हैं, प्रोथोरेक्स में मिलती हैं, मीजोथोरेक्स में मिलती हैं और मेटाथोरेक्स में मिलती हैं। तो लेग जो है वो तीनों, लेग के जो पेयर हैं वो तीनों आपके सेगमेंट में मिलेंगे, प्रोथोरेक्स में, मेजोथोरेक्स में, मेटाथोरेक्स में। इसके अलावा जो विंग्स हैं उसके, उसके पंख, वो मिलते हैं मीजोथोरेक्स में, मीजोथोरेक्स में। और जो एक और ऑर्गन होता है उसके पास, जो एक प्रकार का बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, उसे बोलते हैं हॉल्टर्स या हॉल्टियर, जो भी आप कहना चाहो, वो मिलता है मेटाथोरेक्स में। तो प्रोथोरेक्स में सिर्फ लेग्स हैं, मीजोथोरेक्स में लेग्स और विंग्स हैं, मेटाथोरेक्स में लेग्स और हॉल्टर हैं। पहला ऑप्शन कहता है मीजोथोरेक्स कंसिस्ट ऑफ ओनली लेग्स, ये गलत स्टेटमेंट हो गई। सेकंड, प्रोथोरेक्स कंसिस्ट ऑफ लेग्स एंड विंग्स, ये भी गलत है, प्रोथोरेक्स में सिर्फ लेग्स हैं, विंग्स नहीं है। सी कहता है मेटाथोरेक्स कंसिस्ट ऑफ लेग एंड हॉल्टर, यस एब्सोल्यूटली करेक्ट। और फोर्थ कहता है प्रोथोरेक्स एंड मीजोथोरेक्स बोथ कंसिस्ट ऑफ लेग, यहां ओनली नहीं कहा इसने, जनरल स्टेटमेंट है, तो ठीक ही कह रहा है, आपकी लेग प्रोथोरेक्स में भी होती है, मीजो में भी होती है। तो सी और डी हमारा आंसर हो जाएगा यहां पे, और सही आंसर है सेकंड, सी और डी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है ड्रोसोफिला का बॉडी प्लान, और इस बॉडी प्लान में राइट हैंड साइड पे आप देख पा रहे हैं प्रोथोरेक्स, लेग्स, मीजोथोरेक्स, लेग्स और विंग्स, मेटाथोरेक्स, लेग्स एंड हॉल्टियर। हॉल्टियर इसमें दिखाई नहीं है इन्होंने, बट यहाँ पर हॉल्टियर भी है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी, पार्ट ए के लिए क्या करें? पार्ट ए के लिए मानसी आप प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्न को सबसे ज़्यादा सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए ना उनको प्रैक्टिस करें, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन निकल आएंगे दोबारा, मिलते जुलते आने वाले एग्ज़ाम में बेस्ट है वो। साथ में अगर समय मिलता है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लीजिए मॉक टेस्ट में। ओके, वेलकम। सो क्या बता रहे हैं आंसर? फोर्थ, सेकंड, फोर्थ। ड्रोसोफिला पे म्यूटेशनल सवाल भी बहुत आते हैं, और गिलबर्ट में दिए गए हैं काफ़ी सारे केसेस, ज़्यादातर वहीं से पूछता है वो। सेकेंड आंसर बता रहे हैं कुछ लोग, कुछ लोग बता रहे हैं फोर्थ को। सवाल देखिए क्या कह रहा है, सेकेंड और फोर्थ सेम है। ओके, चलिए देख लेते हैं सेम है कि नहीं। देखिए, आपको एक इमेज दिखाया गया है ड्रोसोफिला का, जिसमें आपको दिख रहा है ड्रोसोफिला के हेड में लेग्स डेवलप हो रहे हैं। नॉर्मली जहां एंटीना होना चाहिए, एंटीनी, वहां पे लेग का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, यानी हेड में लेग्स बाहर निकल गए। तो ये कहता है कि आपको एक इमेज दिखाई है जिसमें कंडीशन दिखाई है म्यूटेंट, और आप बताना है, आपको बताना है ऑप्शन को देख के व्हाट कुड बी द मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर दिस काइंड ऑफ म्यूटेंट फिनोटाइप। पहला ऑप्शन है
ये हुआ है एक्सप्रेशन ऑफ प्रोबोसिपीडिया जीन का इन द हेड एरिया। ये स्टेटमेंट गलत है, प्रोबोसिपीडिया की वजह से नहीं होता ये। दूसरा बताया है ये हुआ है एक्सप्रेशन ऑफ एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स इन द हेड एरिया, ये भी गलत है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा मैं, एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स और एंटीनापीडिया जीन, दीज आर टू डिफरेंट थिंग, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स इज अ ग्रुप ऑफ जीन्स ऑफ द होम्योटिक सेलेक्टर जीन। होम्योटिक सेलेक्टर जीन के दो ग्रुप हैं, अल्ट्राबायथोरेक्स कॉम्प्लेक्स, एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स। एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स में आते हैं प्रोबोसिपीडिया, सेक्सकॉम रिड्यूस्ड, एंटीनापीडिया वगैरह वगैरह। अल्ट्राबायथोरेक्स में आते हैं एब्डोमिनल ए, एब्डोमिनल बी, अल्ट्राबायथोरेक्स। क्लियर? तो एंटीनापीडिया पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं एक्सप्रेस करता, ये पूरे कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है, तो ये भी गलत है। क्लियर होगी ना बात ये? थर्ड, इट इज द रिजल्ट ऑफ अल्ट्राबायथोरेक्स जीन एक्सप्रेशन इन द हेड एरिया, ये भी गलत है, अल्ट्राबायथोरेक्स का नहीं है। ये है अकेले एंटीनापीडिया जीन का जो थोरैसिक सेगमेंट सेकंड में एक्सप्रेस करता है। तो एंटीनापीडिया का नॉर्मल जो जगह है वो T2 है, T2। इसे हेड में डाल दोगे तो ये लेग्स की फॉर्मेशन करवा देगा वहाँ पे। कोई डाउट तो नहीं है? लगा दूँ फिर फोर्थ में, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ये मार्कर कहाँ चला जाता है? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ओके, तो देखिए आज के लिए इतना ही था, बाकी के क्वेश्चन हम आने वाली क्लासेस में करेंगे, क्योंकि और क्वेश्चन मुझे बनाने हैं अभी। तो आज का सेशन यहीं तक ही रखते हैं हम, बाकी का हम अगले सेशन में रखेंगे जो हमारा होगा अगले सैटरडे को, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, ये समझ में आया होगा आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर। बाकी आप अपने वैल्यूएबल सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, जो भी आप क्लास चाहते हैं किसी तरह की फ्यूचर में या कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको देख लूँगा और समय मिलने पर मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा आप, टेलीग्राम ग्रुप में बता चुका हूँ मोहम्मद सलमान अनअकैडमी है, आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, आप अपने क्वेरी सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है जी। सो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला क्लास के लिए, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे और आपको फ़ायदा हो रहा होगा। इसी के साथ आप सभी लोगों से इजाज़त लूँगा, और श्वेता ने कहा है मॉल बायो करा दो, ठीक है श्वेता, मैं मॉल बायो पे भी प्रिपेयर करूँगा नया कंटेंट और बहुत जल्द देकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर।